नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल सवाल जवाब में। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक छोटा सा सवाल लेकर आया हूं, लेकिन वो बहुत ही काम का है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप प्ले स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन को कैसे शेयर कर सकते हो, या फिर उस एप्लीकेशन का लिंक कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। मान लीजिए आपको कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर से शेयर करना है, किसी को भेजना है, या फिर व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे उसकी लिंक देना हो, तो आप किस तरह से दोगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान लग रहा है, लेकिन ये बड़े ही काम का है। जब मुझे किसी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करना हो या दोस्तों को शेयर करना होता है उस लिंक को, कि इस लिंक के द्वारा आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, तो दोस्तों हम बहुत सी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को कैसे शेयर किया जाए। तो चलिए, आपको मोबाइल स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पे ये प्ले स्टोर है, यहाँ पे मैं प्ले स्टोर पे क्लिक करता हूँ, ये और ये हमारा प्ले स्टोर ओपन हो गया है। यहाँ पे दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे मैं कोई से भी एक एप्लीकेशन का लिंक कहाँ से आप शेयर कर सकते हो, उसका लिंक कॉपी कर सकते हो, वो बताऊँगा। जैसे मैं यहाँ से यूसी ब्राउज़र पे क्लिक करता हूँ और ये यूसी ब्राउज़र ओपन हो गया। दोस्तों, यहाँ पे ये होम पेज जो यूसी का खुला है, यहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए यहाँ ओपन और अनइंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जब नीचे जाते हो तो इसकी कुछ डिटेल्स हमें दिखाई देती है, जैसे ये कितनी बार डाउनलोड हुआ है, इसकी रेटिंग क्या है। जब आप कोई सा भी एप्लीकेशन डाउनलोड करो दोस्तों, तो ये ध्यान दीजिए ताकि आपको अच्छी क्वालिटी वाला एप्लीकेशन मिले। इसके लिए आपको एक तो डाउनलोड कितनी बार हुआ है ये ध्यान दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो डाउनलोड हुआ होगा वो एप्लीकेशन अच्छा होगा। और उसकी रेटिंग देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4.5, ये इसकी यूसी ब्राउज़र की रेटिंग 4.5 है। इसके अलावा इसके यहाँ कम्युनिकेशन के बाद सिमिलर, मतलब इससे मिलते जुलते एप्लीकेशन भी है, तो यहाँ पे आप वो देख सकते हो। इसके बाद इसके जो डिटेल्स होते हैं वो रीड मोर ये लिखा है, यहाँ से आप डिटेल्स देख सकते हो। उसके बाद में आगे ये स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं, जैसे ये यूसी ब्राउज़र के स्क्रीनशॉट दिए हुए कि इसमें क्या फीचर्स है। तो दोस्तों, ये तो हो गया इसका डिटेल्स। इसके और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा टेक्निकल सवाल जवाब का लोगो है, यहाँ से हम इस एप्लीकेशन को रेट कर सकते हैं, रेटिंग। इसके बाद में यहाँ पे कुछ कमेंट्स देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे रिव्यू के बाद में ये दिख रहा है शेयर बटन, यहाँ पे क्लिक करेंगे शेयर बटन पे तो हमको ये ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ से दोस्तों ट्रांसफ़र करना है, व्हाट्सएप पे लेना, जीमेल पे लेना, या फिर मैसेज में भेजना हो, या फिर आप इसको कॉपी कर सकते हो, या फिर ब्लूटूथ से या गूगल ड्राइव में सेव करना हो, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ से हम कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो गया, ये हमारी लिंक कॉपी हो गई। अब आप कभी भी किसी भी वक्त कहीं पे भी, जैसे व्हाट्सएप में या फेसबुक पे जाके कंट्रोल प्लस वी दबाओगे या पेस्ट करोगे तो आपको इस एप्लीकेशन की लिंक दिखाई देगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी एप्लीकेशन का लिंक कॉपी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर और ऐसी ही अच्छी लेटेस्ट जानकारियां जो आपके काम की हो, ऐसी जानकारी लेकर आता रहूँगा मैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, वहाँ पे दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि छोटी से छोटी लेकिन हमारे बहुत काम आने वाली जो जानकारियाँ होती वैसी मैं मेरे चैनल पे शेयर करता रहता हूँ वीडियो बना के, तो आपको मिस ना हो। इसलिए आप एक तो बेल आइकन बना हो वहाँ पे क्लिक कर दीजिए बेल आइकन पे और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे जो नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय।